जादुई गोल्डन फल और अद्भुत रंगों वाले शेर। एक जंगल में एक लालची शेर रहता था जिसका नाम था लल्लू शेर। लल्लू शेर बहुत ही लालची था। वह हर छोटी से छोटी चीज में लालच करता था। उसकी पत्नी दिव्या बहुत ही साधारण मिजाज की थी। वह हमेशा ही शेर को लालच ना करने के लिए बोलती रहती थी, लेकिन शेर तो उसकी सुनता ही नहीं था। दिव्या शेरनी की कोई संतान नहीं थी। वह आज तक माँ नहीं बन पाई थी, इसीलिए दिव्या शेरनी बहुत परेशान रहती थी। वह जंगल के जानवरों के बच्चों को अक्सर ही अपने पास बुला लिया करती थी और उन्हें अपने साथ ही खाना खिलाया करती थी। शेर ये सब देखकर बहुत ज्यादा जलता था, क्योंकि वह तो अपना खाना अपनी पत्नी दिव्या को भी खिलाना पसंद नहीं करता था। जंगल के जानवर अक्सर ही शेरनी से मिलने उसकी गुफा में आते रहते थे और शेरनी भी अपने जंगल के सभी जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन वह लालची शेर जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे जंगल में कुछ जानवर एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उन सभी जानवरों को एक साथ देखकर लल्लू शेर एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। तभी एक गाय बोलती है, अरे भाइयों, क्या तुम जानते हो हमारे जंगल से कुछ दूरी पर एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर बहुत ही अद्भुत रंग के शेर रहते हैं और उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। वो सभी शेर बहुत ही शक्तिशाली हैं और अगर उनके पास कोई अपनी समस्या लेकर जाए तो वो उन्हें भी बहुत सी शक्तियां दे देते हैं। तभी भालू बोलता है, अच्छा गाय बहन, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भालू भाई, मैं सच बोल रही हूँ। एक दिन मैं भी उस जंगल में धोखे से चली गई थी, तभी कुछ शेर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, गाय बहन हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए मैं अपने जंगल ऐसे ही वापस आ गई। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है बहन, चलो देखते हैं अगर हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो हम भी उस जंगल जाते हैं। शेर इतना सुनकर वहां से तुरंत ही चल देता है और वह सीधा शेरनी के पास जाता है और शेरनी से बोलता है, अरे भगवान सुनती हो, मुझे 2-3 दिन के लिए किसी काम से दूसरे जंगल जाना है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या काम है दूसरे जंगल में? अब क्या मैं तुम्हें डिटेल में बताऊं, बस मुझे जाना है, काम है। ठीक है तो फिर चले जाओ, मुझे क्या बता रहे हो। और शेर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर शेर को वह जंगल मिल ही जाता है। शेर उस जंगल में जाता है और वहां देखता है कि वहां तो बहुत से अद्भुत रंगों वाले शेर हैं और उनके पास बहुत सी शक्तियां भी हैं। अरे यार ये कितने अद्भुत रंग वाले शेर हैं, अगर इतनी शक्तियां मेरे पास होती तो मैं तो कुछ भी कर सकता था। चलो भाई आगे चलकर देखता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। इतना बोलकर लल्लू शेर थोड़ा आगे चलता है और आखिर में उसे उस जंगल के शेर की गुफा भी नजर आ जाती है। इसके पास तो इन सब शेरों से ज्यादा शक्तियां होगी, चलो चलो इसको मस्का लगाता हूँ। और उसे बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है, अरे महाराज मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे महाराज हमारे जंगल के सभी जानवर बहुत मुसीबत में हैं, क्योंकि हमारे जंगल में एक शैतान घुस आया है और मेरे जंगल के जानवरों को अपनी कुछ जादुई शक्तियों से नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा ये बात है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे महाराज मुझे आपसे कुछ शक्तियां चाहिए जिससे मैं उस शैतान का मुकाबला कर सकूं और उसे अपने जंगल से भगा सकूं। शेर के ऐसा कहने पर विशाल सिंह राजा उसे एक सुनहरा फल खाने को देता है और बोलता है, ये एक जादुई फल है, इसे खाने से तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्ति आ जाएंगी,
जिससे तुम किसी भी बुरी शक्ति का मुकाबला कर सकोगे। लल्लू शेर विशाल शेर से शक्तियाँ लेकर तुरंत ही भागता हुआ अपने जंगल में आता है और अपने जंगल पहुँचते ही अपने जंगल के जानवरों को उन शक्तियों से परेशान करने लगता है और उन्हें उन शक्तियों से नुकसान पहुँचाने लगता है। वह अपनी उन शक्तियों से किसी भी जानवर को मारकर उसका शिकार कर लेता है। जंगल के सभी जानवर अब लल्लू शेर की हरकतों से बहुत परेशान आ गए थे। वे शेर की शिकायत लेकर शेरनी दिव्या के पास जाते हैं और शेरनी को शेर की शक्तियों के बारे में सब कुछ बताते हैं। शेरनी लल्लू शेर की इन हरकतों को सुनकर बहुत परेशान होती है और वह बोलती है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। अब हम सबको मिलकर ही कोई हल निकालना होगा। तभी गाय बोलती है, लेकिन महारानी साहिबा, लल्लू शेर के पास ये शक्तियाँ आई कहाँ से, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं गाय बहन, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जरूर पता है कि वो कुछ दिन पहले दूसरे जंगल गए थे और इसके बारे में भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था। जब वो वहाँ से आए तो उनके पास तभी बहुत सी शक्तियाँ थी। अब गाय के सब कुछ समझ में आ जाता है और वो फिर से उस जंगल के बारे में सभी जानवरों को बताती है। तभी भालू बोलता है, अच्छा ये बात है तो फिर हम में से कुछ जानवरों को उस जंगल में जाना चाहिए और उन्हें लल्लू शेर की हरकतों के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। अगले दिन कुछ जानवर इकट्ठा होकर उस अद्भुत शेरों के जंगल में जाते हैं और उस जंगल के राजा विशाल शेर को शेर की हरकतों के बारे में सब कुछ बताते हैं। राजा विशाल शेर को उस लल्लू शेर की हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से उसे उनके जंगल से एक पिंजरे में कैद करके अपने जंगल ले आता है और लल्लू शेर से बोलता है, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शक्तियाँ ली है। अगर तुम्हें शक्तियों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, शायद फिर मैं तुम्हें तुम्हारी हरकत के लिए माफ कर देता। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है और झूठ की कोई माफी नहीं होती। अब से तुम पूरी जिंदगी इसी जंगल में कैद रहोगे। जंगल के सभी जानवर विशाल शेर का फैसला सुनकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं और शेरनी को वहां हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो शेरनी को बहुत दुख होता है और फिर वह यह सोचकर चुप हो जाती है कि गलत काम करने वाले को एक ना एक दिन सजा तो जरूर मिलनी होती है। अगर ये आज ना होता तो फिर कभी ना कभी तो होना ही था। अब से सभी जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है जो सजा ना मिलने से खत्म नहीं होता है। झूठ बोलने की सजा एक ना एक दिन मिलनी ही होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर बड़े ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे क्योंकि उनके जंगल का राजा एक बब्बर नाम का बहुत ही शक्तिशाली सफेद शेर था जो कि बहुत ही दयालु और रहम दिल था। वह हमेशा ही अपने जंगल के जानवरों की दिलो जान से रक्षा करता था और अपने जंगल के जानवरों का ख्याल रखना अपना कर्तव्य समझता था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो कि बब्बर शेर से मन ही मन बहुत जलता था और बब्बर शेर को मारकर उस जंगल का राजा बनना चाहता था। इसी बात को लेकर वह बाघ बहुत परेशान रहता था कि आखिर कैसे वो बब्बर शेर को मारकर उस जंगल का राजा बने। उसी जंगल में एक खतरनाक शेर भी रहता था जिसका नाम था बादल जो कि बब्बर शेर का बहुत ही अच्छा मित्र था। बब्बर शेर और बादल हमेशा एक साथ रहते थे इसीलिए वह बाघ बब्बर शेर को मार नहीं सकता था और हमेशा सोचता रहता कि आखिर कैसे शेर को मारूं। एक दिन वह बाघ अपनी गुफा में लेटा हुआ होता है तभी उसके मन में एक प्लान आता है और उसी प्लान के मुताबिक वह बब्बर शेर और बादल शेर के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है, अरे बादल भाई,
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ भाई बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आज तुम मेरी गुफा में मेरे साथ रहो। मेरी गुफा में रात होने पर एक अजीब सी शक्ति आती है और मुझे उसने काफी परेशान कर रखा है। प्लीज भाई, तुम आज रात मेरे साथ ही रहना। अरे बादल भाई, कोई नहीं, आज तुम इसके साथ ही सो जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रात होने पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाघ ये सब उनसे बोलकर वहां से चला जाता है। रात होने पर बादल से बाघ के पास जाता है और वो दोनों लेट जाते हैं। जब बादल सो जाता है तो बाघ चुपके से उठकर बब्बर शेर को मारने के लिए निकल पड़ता है और बब्बर शेर के पास पहुंचकर वह तुरंत ही उस पर वार कर देता है और वार पर वार करके उसे उठने का भी मौका नहीं देता और बब्बर शेर को मार देता है और बाघ वहां से चला जाता है। सुबह होने पर जब बादल शेर बब्बर शेर के पास आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त मरा पड़ा है। वह बब्बर शेर को मरा देख हक्का बक्का रह जाता है। तभी कुछ जानवर भी वहां आ जाते हैं और अपने महाराज को मरा हुआ देख वो भी हक्का बक्का रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आता। बादल शेर का पूरा दिन इसी बात को सोचते सोचते गुजर जाता है कि आखिर मेरे दोस्त को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों मारा। एक दिन ऐसे ही बीतता है लेकिन बादल शेर की चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पूरा दिन और पूरी रात बस इसी बात से परेशान था कि मेरे दोस्त को इतनी बेरहमी से किसने मार दिया। और बादल शेर इसी टेंशन में बहुत बीमार हो गया। एक दिन रात के टाइम बादल शेर अपने दोस्त की टेंशन में मुबतला होता है कि तभी वहां पर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से बब्बर शेर की आत्मा बाहर आती है। बादल शेर ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे मेरे भाई शेर, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी बब्बर शेर की आत्मा बोलती है, तुम जानना चाहते हो कि मुझे किसने मारा? हाँ भाई, मेरे दोस्त बब्बर, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने मारा। प्लीज मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा, मैं उसका हश्र नश्र कर दूंगा। तब वह आत्मा बादल शेर को उस रात में हुई घटना के बारे में सब बताती है। अब बादल शेर सब कुछ समझ जाता है और उसे समझ में आ जाता है। अच्छा तो ये बात है, तभी उस बाघ ने मुझे अपने पास रोका था रात में। तभी वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है और बादल शेर में ना जाने कहां से इतनी जान आ जाती है और वह सुबह होते ही उस बाघ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। और जंगल में जाकर वो देखता है कि बाघ ने सभी जानवरों को अपने पास जमा किया हुआ है और उनसे बोल रहा है कि मुझे इस जंगल का राजा बना दो। तभी बादल शेर सभी जानवरों के पास जाकर उनको बाघ की करतूत के बारे में बताता है। सभी जानवर बाघ की चालाकी सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी सभी जानवर मिलकर उस पर वार कर देते हैं और उसे वहीं पर मार गिराते हैं और बादल शेर को